हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। मेरा नाम है मंटू और आप देख रहे हैं मंटू ऑनलाइन चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप SBI बैंक में आप ऑफलाइन कैसे फॉर्म भर के अकाउंट खोल सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और कैसे सबमिट करना है, कैसे फ़ोटो लगानी है, सिग्नेचर कहाँ करना है। पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, चलते हैं हम अपने फॉर्म की तरफ। फॉर्म हमें कैसे फिलअप करना है तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं SBI बैंक का मेरे पास फॉर्म है एक, जो कि मैंने यहाँ पर फिल किया हुआ है कि हमें कैसे अकाउंट SBI में खोलना है और अकाउंट खोलने के लिए हमें फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। इस वीडियो में यही डिटेल आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये फॉर्म दिख रहा है और इसको हमें कैसे कैसे फिल करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है। देखिए, जैसे आप फॉर्म के ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर भरने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर भरना है। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर आप दिखा रहा है कि आपको अकाउंट कौन सा खोलना है। तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट टैप कर लेंगे कि आपको अकाउंट कौन सा खोलना है, सेविंग अकाउंट खोलना है या फिर CA या फिर PPF। तो यहाँ पर हमें सेविंग अकाउंट खोलना है, तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट पर हमें टिक लगा देना है। देखिए, मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, फिलहाल हमें सेविंग अकाउंट खोलना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैन कार्ड नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर हमने पैन कार्ड भी भरा हुआ है। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पर फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद आप इधर साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, तो यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। उसके बाद अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिखना होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फुल नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से आपको फुल नेम लिखना होगा। पहले यहाँ पर आप नाम लिखना होगा और बीच में कोई एक खाली जगह, स्पेस के जगह पर हमें एक बॉक्स छोड़ के आगे बॉक्स पर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके फादर का नाम, अगर आप लेडीज़ हैं तो अपने पिता या पति का किसी का भी नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उसके लिए ये नाम दिया गया है। यहाँ पर भी ऐसे लिखना है, आपको एक बॉक्स छोड़ के आगे का ये प्रोसेस करना है ऐसे। उसके बाद जब आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके घर में अगर कोई टेलीफोन है तो उसका नंबर भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आपको मोबाइल के जगह पर आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आप यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चिपका देना है, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगानी है। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नेम और पूरा एड्रेस डालना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से पूरा फॉर्म आपको भरना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको पूरा फॉर्म दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से फॉर्म हमारा दिखता है। तो कुछ इस तरह से ये पूरा फॉर्म होता है। ये आपको ऑनलाइन भी लोड कर सकते हैं या फिर आप ब्रांच जाकर ले सकते हैं। और जिसको ये फॉर्म भरना नहीं आता है, आप इस तरह से भर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बता दिया है, काफ़ी सिंपल है। कई लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, तो आप ये वीडियो देख के फॉर्म को बहुत ही आसानी से फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ। और यहाँ जो ये खाली जगह है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नमूना हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं। और यहाँ पर जो है वो बैंक अधिकारी का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर वो अपना सिग्नेचर करके अप्रूव करेगा और फिर आपका फॉर्म सबमिट कर लिया जाएगा और फिर आपका जो अकाउंट है वो खोल दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देख लिया कि फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, वो पूरी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको SBI में अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी होगी ऑफलाइन। अगर कोई दिक्कत भी आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम का बहुत ही जल्द सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।